नमस्कार दोस्तों, तो आज चर्चा करेंगे जब खाना नंबर 7 में गुरु महाराज बृहस्पति पधारते हैं तो क्या फल होता है एज पर लाल किताब 1941। तो आप सब देख सकते हैं ऊपर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक कुंडली है जिसमें बृहस्पति जो है इसको लाल किताब की कुंडली बनाया गया है। राशियां कोई भी हो सकती हैं, तो पक्के घर कभी बदलते नहीं, उनमें राशियां और ग्रह जो है वो चेंज होते रहते हैं समय के अनुसार। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है बैठा है वो खाना नंबर 7 में विराजमान है। क्या बात है, पंडित जी कमाल है। पहले तो हमने जब बृहस्पति 1 से लेकर 6 तक जितने भी हमने वीडियो सुने या चर्चा की, तो उनमें मेरे ख्याल से राशियां जो थी सिग्निफिकेंट से 2 थे या 3 थे, और ज़्यादा लोग इनको इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। पर एक चीज़ मैं आज आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंस और जो सिग्निफिकेटर्स 1941 में दिए गए हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं, और उनका एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है उस ग्रह की वहाँ प्रेजेंस के साथ। और इन सिग्निफिकेटर्स को यूज़ करके, इन राशियों को यूज़ करके बहुत सारे उपाय भी किए जा सकते हैं, या इनको इनसे लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपने ग्रह का शुभ फल पा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि हम राशियों को एक अलग वीडियो बनाएंगे, और ये तो बहुत सारी राशियाँ सिग्निफिकेटर्स दे दिए बृहस्पति खाना नंबर 7 में पंडित जी ने, पर हम जो बात करेंगे सरफेस लेवल पर ब्रीफली, तो पंडित जी ने पहली बात की किताबें। तो ये बुध और शुक्र का घर है, किताबें। ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातक के पास बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, और होता है ऐसे जातक ने वो किताबों का शौक होता है, उसने किताबें लाला कर रखी होती हैं, खासकर धार्मिक किताबें ग्रंथ, पर उन्हें पढ़ नहीं पाता। एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हो सकती हैं, क्योंकि ज्योतिषी भी बहुत अच्छा होता है बृहस्पति शांत वाला, और उनका ख्याल नहीं रख पाता। आगे दमा, तो अगर ऐसे जातक को, क्योंकि बृहस्पति सांस का ब्रीदिंग का कारक है, तो अगर बृहस्पति खराब होता है ऐसे जातक को दमा हो सकता है, सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ऐसे जातक को सांस की प्रॉब्लम नहीं है, दमा नहीं है, इस तरह की कोई इशू नहीं है, तो इसका मतलब कि जो जुपिटर है वो अच्छी कंडीशन में है। आगे बात करें मेंढक की, तो मेंढक की जैसे बात की थी तो पहले हमारे पास बात आई थी मेंढक की, टराने वाला मेंढक। तो मेंढक जो है आप देख सकते हैं कि वो पानी में रहता है, और मेंढक पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, अडेप्टेबल है, और ये ग्रीन कलर का होता है, और जब बारिश आती है तो ये तराता है, मेटिंग कॉल्स देता है। तो इनकी बात हम करेंगे जब राशियों को डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा, अभी तक के लिए इतना है। आवारा साधु, आवारा साधु, यहाँ पर आवारा साधु का भावार्थ ये है कि ऐसे जातक को आवारा साधुओं की संगत नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसको ग्रस्त में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 7th हाउस जो है वो ग्रस्त का है। लाल किताब में बृहस्पति 7 को ये भी कहा गया है कि ग्रस्त में फंसा हुआ साधु। और इसके बाद आगे जिक्र करें तो बहुत ही अजीब बात, और पहली बार शायद आप लोगों ने ये कंसेप्ट सुना, और पंडित जी ने लिख दिया ऊपर मसनूई बृहस्पति, मीन्स की आर्टिफिशियल। यहाँ पे बृहस्पति जो है वो ओरिजिनल बृहस्पति के रूप में नहीं बैठेगा, या इसको आगे हम जब राशियां करेंगे तो उनमें डिसॉल्व करेंगे कि ये कैसे डिसॉल्व होके ये सूर्य और शुक्र बना। तो बेसिकली पंडित जी ने लिखा है खाली हवाई बृहस्पति, मीन्स की इट लुक्स लाइक ए जुपिटर बट एक्चुअली इट डजंट बिहेव्स लाइक ए जुपिटर, की जो बृहस्पति की तरह इसकी तासीर बिल्कुल नहीं रहती, और ये स्प्लिट होकर एक मसनूई बृहस्पति के रूप में बन जाता है, जो 2 ग्रह बनते हैं आगे सूर्य और शुक्र। मंदे असर के वक्त चंद्र का उपाय मददगार होगा, तो पंडित जी ने यहाँ लिखा है कि अगर बृहस्पति मंदा हो, या ऐसे जातक का जो ग्रस्त है वो मंदा हो रहा हो, तो इस कंडीशन में चंद्र के उपाय मददगार होंगे। ये आगे डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट जो पंक्तियाँ हैं उन पर। पंडित जी कहते हैं 7वें बृहस्पति सबको तारे, खुद तकड़े की बोधी हो। तो 7वें बृहस्पति जो है सबको तारे, 7th हाउस जो हमारे ओपोनेंट्स का भी होता है, हमारी
जो स्पाउस होता है उसका भी होता है, हमारी जो डीलिंग्स हैं, जो लीगल बाइंडिंग्स हैं उसका भी होता है, जो हमारा किसी के साथ पार्टनरशिप है उसका भी होता है। तो सेवंथ हाउस में जब बृहस्पति है तो पंडित जी ने ये कहा कि बृहस्पति एक अच्छा ग्रह है, तो सबको तारे मीन्स कि ये जो भी इसके साथ लिंक बनाते हैं उनके बारे में ये अच्छा सोचने वाला पर्सन होता है, सबकी हेल्प करने वाला होता है। बृहस्पति इज ऑलवेज ए प्लैनेट दैट गिव्स। ये जुपिटर जो है ये ऐसा ग्रह है जो देना जानता है, दानी है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति आता है तो ये सबको तारे, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हैं और सेवंथ हाउस आपके सामने जो खड़े हैं वो है, जो आपको किसी ना किसी तरह से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा बृहस्पति जो होता है सबके लिए अच्छा होता है, पर वो क्या होता है, खुद तकड़ी की बोधि हो। अब अगर आप देखें तो सेवंथ हाउस को ग्रस्त की चक्की भी बोला गया है, और सेवंथ हाउस को जो है वो कई बार तराजू के तौर पर भी लिया गया है, अगर शुक्र सेवंथ हाउस स्पेशल। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने पुराने जमाने में तकड़ी होती थी, जो हाथ से एक डंडा होता था सेंटर से हाथ में, उसमें धागा बना हुआ होता था और दो पलड़े होते थे, उनके दो पार्ट होते थे, तो उनमें अगर हम वे करते थे, तोलते थे कुछ, तो ऊपर एक सुई सी होती थी जिसको कांटा बोलते हैं, या उसकी बोधी के पास एक बीच में कांटा होता था जिससे वो पकड़ी हुई थी दोनों। तो अब जब भी कुछ तोलते थे तो वो सुई जो है या उसकी बोधी जो कहें वो मूव होती थी, या वो बोधी के हिसाब से, बोधी के ऊपर एक जो धागा लगा होता था उसके हिसाब से उसको जकड़ा जाता था, उसके साथ मैच किया जाता था कि वो बैलेंस है उसके साथ कि नहीं। और मोस्टली अगर आपने देखा होगा कि कोई भी सुई तकड़ी की बोधी के साथ बहुत रेयर मैच करती है, मीन्स कि वो वाइब्रेट करती रहती है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ऐसा जातक दूसरों में तो अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है, पर खुद अपनी लाइफ में अनबैलेंस्ड होता है, खुद अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाता। कौन सी लाइफ में? गृहस्थ की लाइफ में, दो पार्टों के बीच में, मीन्स कि बुध और शुक्र ग्रस्त की चक्की के बीच में वो पिस जाता है। आगे पंडित जी कहते हैं धर्म ईमान में अपने पक्का। तो ऐसा जातक जो होता है धर्म और ईमान में बिल्कुल ही पक्का होता है, वो फरेबी नहीं होता, झूठा नहीं होता, मकार नहीं होता, पर भाइयों से दुखिया हो। अब यहाँ पे अजीब सी बात है कि सेवंथ हाउस तो पत्नी का है और पंडित जी ने बात कर दी भाइयों से दुखिया, तो भाइयों से क्यों दुखिया हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा जातक जो भाइयों से दुखिया होगा? तो मोस्टली जो प्रैक्टिकल में आया है कि ऐसे जातक के जो भाई होते हैं उनका किसी ना किसी तरह से इस जातक के साथ कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई डिस्प्यूट्स, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कुछ विचारों में, विवादों में कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहते हैं। और भाई ऐसे बंदे को, क्योंकि ये दिल का साफ होता है, धर्म और ईमान का पक्का होता है, और इसके भाई से तंग करते रहते हैं। बाकी आगे और डिस्कस करते हैं और इसका जो है वो रीज़न आगे पता चलेगा। तो भाइयों से दुखिया होने का जो रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि बृहस्पति की जो मित्र हैं वो मंगल हैं और बुध शुक्र जो है वो शत्रु हैं। तो यहाँ पर दो शत्रुओं के बीच में बृहस्पति आ गया है, पिस गया है। ये बुध की जो बुध की और शुक्र की घर है या ग्रस्त लाइफ है, चक्की है, और उधर बुध और मंगल का घर है जो थर्ड हाउस बनता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। और थर्ड हाउस जो होता है वो बहन भाइयों का होता है, और इलेवंथ हाउस भी जो है वो भी, अगर थर्ड को छोटे बहन भाइयों का लेते हैं तो कुछ लोग इलेवंथ को बड़े भाई बहनों का भी घर लेते हैं। और अब यहाँ पर बैठा जो बृहस्पति है, अब देखिए यहाँ पर जो बैठा बृहस्पति है सेवंथ हाउस में बैठकर, वो लग्न को तो दृष्टि दे ही रहा है वैदिक के हिसाब से, तो उसकी फिफ्थ और नाइन्थ जो दृष्टियाँ हैं वो थर्ड हाउस और इलेवंथ हाउस पे भी जा रही हैं। तो अब यहाँ पर बैठा बृहस्पति इसलिए परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर आप याद करें पंडित जी ने कहा था कि लाल किताब के अकॉर्डिंगली जो 11 घर है वो लाभ का है, धन के आने का, और थर्ड हाउस जो धन के जाने का भी है।
तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा जातक जो है वो भाइयों की सुलह करवाते करवाते खुद परेशान हो जाए, या भाई उसके खुद बहुत झगड़ते हों इसके साथ, या क्योंकि पुराने जमाने में काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, आजकल तो बच्चे ही एक तो हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे मेन थे, तो किसी न किसी तरह से देखा गया है कि भाइयों के साथ इसका कला क्लेश रहता ही रहता है, या भाइयों का कला क्लेश रहता है और उसकी वजह से ये बंदा जो है वो परेशान रहता है। आगे पंडित जी लिखते हैं, सबका ही वो देवनहार, मीन्स कि आमतौर पर कई लोग ना, अगर आप देखें तो हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार मैं तो लोगों का देने ही आया, मुझे कोई सुख नहीं मिला। तो पंडित जी के कहने का मतलब कि ऐसा जातक दूसरों के लिए करता रहता है, दूसरों में उसके फैमिली मेंबर्स और उसके फ्रेंड सर्कल और उसके पार्टनर्स या जो कुछ भी जिनसे भी वो मुलाकात करता है वो सभी आते हैं। सबका ही वो देवनहारा, कि ऐसा जातक सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। चने की छिलका खुद हो गुजारा, तो कहने का भाव चने की छिलका का मतलब, अब आपको पता है कि बृहस्पति जब भी खराब होता है तो शनि उसे ठीक करता है, चने का छिलका खुद हो गुजारा, कि यहाँ पर जितना भी वो काम कर रहा है मेहनत कर रहा है तो मोटी मोटी रकम तो किसी और को जा रही है, और वो मीन्स कि ऐसा जातक पहले दूसरों की सोचता है और फिर अपनी सोचता है, लालची नहीं होता, वो कहता चल जो रूखा सूखा मिला कोई इशू नहीं है। तो ऐसा जातक चने का छिलका मीन्स कि बची खुची, मीन्स आप ये समझते कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने वाला नहीं होता। आपने देखा होगा घर का कोई मेंबर होगा तो सबसे पहले बाकी सबको खिलाएगा, या घर की माँ कई बार सबको खिला के बाद में जो कुछ बचा उसके हिसाब से उसमें उसने सेटिस्फेक्शन ले ली कि चलो मेरा परिवार खुश है तो मैं भी खुश हूँ, उन्होंने खा लिया उनका पेट भर गया मेरा भर गया। तो ऐसा जातक जो होता है दूसरों के बारे में बहुत सोचने वाला होता है, अपने परिवार के बारे में बहुत सोचने वाला होता है, खुद किस्मत का अपनी मारा। तो आप सब जानते हैं जो जुपिटर है जो बृहस्पति है वो किस्मत का ग्रह भी है, लक का ग्रह है, 9th हाउस जहां पर उसका पड़ता है अपना किस्मत का ग्रह है। तो खुद अब बृहस्पति यहाँ पे परेशान है, बृहस्पति मरा है खराब है। आपको एक और बात बता दो, बृहस्पति जितना मर्जी खराब हो वो कभी इतने ज्यादा खराब रिजल्ट्स नहीं देता। तो खुद किस्मत का अपनी मारा, चंद्र पूजन हो निस्तारा, कि जैसा कि किस्मत का मारा कि ऐसा जातक जैसा पहले बताया सबका है वो देवनहारा, चने का छिलका खुद हो गुजारा, कि उसकी कुछ अपने लिए कुछ ख्वाहिशें नहीं होती, अपनी ख्वाहिशें वो मार बैठता है परिवार के लिए, या उसमें जो खुद को अपने लिए कुछ असल मीन्स कि ग्रीडीनेस या सेल्फिशनेस नहीं होती, पहले परिवार का सोचने वाला होता है, चंद्र पूजन हो निस्तारा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक हैं, पंडित जी ने इसका उपाय भी बताया है कि बृहस्पति सात वाले का उपाय जो है आशु में पढ़े तो चंद्रमा चंद्रमा के उपाय से मदद मिलेगी। तो पंडित जी ने बहुत बार इस पे फोर्स किया है कि चंद्रमा का उपाय ही यहाँ पर बृहस्पति के लिए उत्तम है। ये हम जब आशियों का वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें भी करेंगे, पर थोड़ा सा मैं इसके लॉजिक यहाँ पे बता दूँ, काफी लॉजिक है जो मेन मेन मेरे को अच्छे लगे लॉजिक वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो बृहस्पति 7th को बताया गया है कि ग्रस्त में फंसा हुआ साधु, तो ग्रस्त में फंसा हुआ साधु अगर आप देखें तो कौन है संसार में देवताओं में, तो वो हमारे शिव शंकर भोलेनाथ हैं, जो एक साधु भी हैं और एक गृहस्थी भी हैं। और अगर देखा जाए तो जब भी शंकर की बात होती है तो चंद्रमा की बात होती है, तो ग्रहों में जो चंद्रदेव है वो शनि सॉरी शनि बोल रहा हूँ कि शिव शंकर के मस्तक पे विराजमान है। और जैसा कि मैंने बताया कि खुद तकड़ी की बोधी हो ऊपर पंडित जी ने व्याख्यान किया है, तो मीन्स कि ऐसे बंदे का माइंड जो होता है ना वो बड़ा अनस्टेबल सा होता है, वो खुद बड़ा अनस्टेबल होता है, खुद मन को मार चुका होता है, जैसा कि जो भी मिला रूखा सूखा चने का छिलका गुजारा तो खुद किस्मत का अपनी मारा, तो नेगेटिवनेस उसके माइंड में मीन्स कि चंद्रमा उसका काफी हद तक डैमेज हो जाता है। तो यही कारण है कि चंद्र का पूजा न करना, चंद्र के उपाय, और चंद्र जो है बृहस्पति का मित्र भी है, और बृहस्पति उच्च कहाँ होता है चंद्र की राशि में, तो बृहस्पति को अगर हमने उठाना है तो चंद्र की सहायता हमें लेनी ही पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि वो दो शत्रुओं के बीच में आकर फंस गया है। आगे पंडित जी कहते हैं, बुध शनि घर 2, 6, 11 या कि 12 बैठा हो, तो यहाँ पर बात की है पंडित जी ने कंडीशन की, अगर आपके होरोस्कोप में ऐसी कंडीशन है या जिसका भी बृहस्पति 7th है उसके होरोस्कोप में ऐसी कंडीशन है
तो उर्ध रेखा का डाकू राजन लड़के को वो तरसता हो। तो पंडित जी के कहने का मतलब, अगर इस तरह की कंडीशन हो गई तो उर्ध रेखा, जैसे कि पंडित जो पामिस्ट्री की अगर आप बात करें, लाल किताब जो पहली आई थी और बाद वाली भी और हर वाली में पंडित जी ने पामिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मैं कहा इतना अच्छा नहीं जानकार हूँ पामिस्ट्री का, पर उर्ग रेखा एक हाथ की रेखा होती है जो हाथ में होती है, अगर वो हो, क्योंकि पंडित जी कुंडली से पहले हाथ को देखते थे, कंफर्म करते थे, हाथ ज़रूर देखते थे जब कुंडली बनाते थे और उनके हाथ से प्लैनेट्स को देखकर और वेरीफाई करते थे। तो अगर ऐसी रेखा हो तो उर्ग रेखा का डाकू राजन, राजन मतलब कि जो ऐसा जातक होगा वो राह चलते मीन्स कि स्ट्रेंजर्स को लूटने वाला होगा, मीन्स कि ऐसे जातक हो सकता है कि वो स्कैमर हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनजान बंदे आजकल फ़ोन करते हैं, आपको डिटेल्स मांगते हैं आपकी, या आपके कंप्यूटर में वायरस है, आपको मैसेज आता है कॉल करें। तो एक एग्जांपल के तौर पे कि पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि डाकू होते थे, रास्ते पे खड़े होते थे, जो अनजान अजनबी आया उसको लूट लिया। पर आजकल की जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हो चुकी हैं, बातें वही हैं, सारा कुछ वही है, जेब कतरे। आजकल की चीज़ें जो है कि आप ATM कार्ड लेके जाते हो, बैंक का कार्ड लेके जाते हो और देखते हो कि आपने कहीं यूज़ किया और बाद में से उसमें से पैसे फुर्रोगे। तो वो ऐसा इंसान हो सकता है कि जो, जहाँ पे पंडित जी ने, हैरानी वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पंडित जी ने सबसे पहले उसकी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, पर एक ही कंडीशन से जहाँ पे वो पंडित जी ने पहले आप पीछे सुने तो लिखा कि धर्म ईमान का पक्का होगा, और वहाँ पे ही वो ऐसा जातक जो होगा वो ये बोल सकते हैं कि रिश्वत खाने वाला होगा, रिश्वत खोर हो सकता है, डाकू आज के ज़माने में क्या डाकू तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा जातक जो हो सकता है वो रिश्वत खोर हो सकता है, ऐसा जातक जो हो सकता है स्कैमर हो। तो मीन्स कि दो नंबर की कमाई, जिसे हम सीधी सी भाषा में बात करें तो दो नंबर की कमाई करने वाला होगा। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये कंडीशन ना भी हो पर वो जातक दो नंबर की कमाई करने वाला हुआ, मीन्स कि उसके हाथ में कुछ ऐसी रेखा हुई बृहस्पति सेवंथ के होने पर, तो ऐसे जातक को बेटा नहीं होगा, वो बेटे के लिए तरसता होगा, वो चाहता होगा कि उसके बेटा हो, पर उसके, क्योंकि उस जातक के पास पैसा बहुत होगा। ऑफकोर्स आजकल के ज़माने में जो दो नंबर का काम करता होगा उसके पास पैसा ही पैसा होगा, पर औलाद की कमी उसे खनकती ही रहेगी। आगे पंडित जी नेक्स्ट पंक्तियों में, लाइनों में लिखते हैं, 40-45 जब उम्र हो तो लड़का भी आ बैठा हो। तो आपको पता है अगर आपने लाल किताब की साइकिल्स पढ़ी हो, प्लैनेट्स की कितने साल में कौन सा ग्रह असर करता है, तो आप समझ सकते हैं। तो 40-45 की जब पंडित जी ने उम्र बताई है तो ऐसे समय में कहले कि लड़का यानी कि केतु जो है वो कायम हो जाएगा ऐसे जातक का, कहीं ना कहीं जो बृहस्पति जो है वो केतु को कायम कर देगा, चाहे जो भी हो रीज़न कुछ भी हो, चाहे डिले हो औलाद के सुख में, तो बेटा इस जातक के ज़रूर होगा पंडित जी के कहने का बावत है। तो यहाँ पर एक हम ये चीज़ सोच सकते हैं, जिसका भी बृहस्पति सहमत में होगा वो चाहे बेटे के लिए तरसे थोड़ी देर, चाहे उसे दुख सहने हो, इनवर्स के सिनेरियो जो भी केसेस हों, कैसा भी हो, बृहस्पति जो सेवंथ हाउस में बेटा ज़रूर देता है, चाहे इसके लिए 40-45 ईयर की एज तक उसको वेट करनी पड़े। पिछले धोने सब धोकर सुख सागर का मालिक हो। तो यहाँ पर पिछले धोने मीन्स कि अगर वो दो नंबर की कमाई करता रहा है, कुछ गलत काम करता रहा है, तो वो सारे भी धोने मतलब कि माफ़ हो जाएंगे। बृहस्पति, आपको पता है कि बृहस्पति इतना अच्छा और शुभ ग्रह है, कहते हैं कि अगर लगन में बृहस्पति आ जाते कुंडली के 100,000 जो दोष होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो बृहस्पति यहाँ पे सेवंथ हाउस में दो दुश्मनों के बीच में बैठकर भी जातक को इतना कुछ दे रहा है, और बेसिकली क्या दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उसको, पर उसको मन की सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा जो होगी चंद्रमा के पूजन से। कि ऐसा जातक जो है वो मन से बड़ा, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि लाल किताब में बृहस्पति सहमत में गृहस्थी में जकड़ा साधु या ऐसा साधु पुराने पिछले जन्म में जिसने बहुत भक्ति की हो गृहस्थ में रहकर, पर एक्चुअली साधु रूप मंदिर बोल रहा हूँ कि एक्चुअली वो पहाड़ों पर ना गया हो, शनि का साथ ना मिला। तो आगे पंडित जी ने यही बात समझाने की कोशिश की है इन्हीं पंक्तियों में कि सुख सागर का मालिक हो, कि ऐसे जातक
को कोई सुख की कमी नहीं होती, कोई पैसे की कमी नहीं होती, कोई पर फिर भी वो उसकी खुद की फीलिंग्स जो होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं, दुख अंदर से जो दुख होता है उसको, लोग कहेंगे कि सब कुछ इसके पास, पर फिर भी अंदर से जो दुख उसके पास होता है वो खुद ही समझ सकता है। आगे पंडित जी ने बात की है पंक्तियों में, ब्रीफ समरी में लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लाइन लिखी है, लोग गए जो मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े हैं घर की राखी। तो बैसाखी या वैसाखी एक त्यौहार है जो पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बहुत सारे हिस्टोरिकल व्यूज हैं, जो मेन था बैसाखी का सबसे पहला कि जब जो फसल है अप्रैल के आसपास मनाया जाता है, लगभग 13 अप्रैल के आसपास जो फसल है, जो कनक है, उसको काटा जाता है, क्योंकि सेवंथ हाउस जो है ग्रस्त की चक्की है। शुक्र को जमीन, बुध को आसमान माना गया है, तो दो पाटे लिए गए हैं चक्की के, और चंद्र साथ में अगर आगे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसको खेती की जमीन भी बोला गया है। तो बुध और शुक्र, बुध वनस्पति भी ले सकते हैं, शुक्र जमीन भी ले सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ पंडित जी जो भी लाइन्स लिखते थे कितनी गूढ़ रहस्य से लिखते थे और उनका कितना इंटरनल कनेक्शन होता था चीज़ों के साथ। तो लोग गए जो मेला बैसाखी, वो कोई और त्यौहार भी लिख सकते थे, दिवाली भी लिख सकते थे, पर यहाँ पर जो उन्होंने लिया, लोग गए जो मेला बैसाखी, लाला जी जकड़े हैं घर की राखी। तो ऐसे जातक को क्या होता है कि बुढ़ापे में उसकी संतान ज्यादा सुख नहीं देती या उसे सुख मिलता ही नहीं है। लोग मेला जो होता है कि एक फेस्टिवल है बैसाखी का, जैसे कि बताया कि लोग कि सभी और उसके घर वाले भी गए हैं मेला देखने, और इसको बोल जाते हैं कि एक ये कहावत है या एक प्रोवर्ब है कि आप घर का लाला जी कि दादाजी या पिताजी आप घर का ध्यान रखना, उसको लाठी बूढ़ा है इसलिए उसको जकड़े हैं घर की राखी। तो लाला जी एक्चुअली जो रिच पर्सन होता है और बूढ़ा होता है थोड़ा सा एज होता है उसको लाला जी कहते हैं, जो इसके बड़े तगड़े बिजनेस चलते होते हैं पंजाब में। लाला जी मीन्स की समन जो बिजनेस मैन हो और थोड़ा वरिष्ठ हो जिसको रिस्पेक्ट के साथ। तो लाला जी जकड़े हैं घर की राखी मीन्स की उसके उसके ऊपर बर्डन क्या पड़ गया कि घर की राखी करने का, फिर वो गृहस्थ में फंस गया। लाइफ की कोई भी जो चीज़ है, चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, वो एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि ग्रस्त में फंसा हुआ साधु बनकर ही वो रह गया। आगे पंडित जी लिखते हैं, भाइयों से तंग होकर कई दफा कहता होगा कि भाई जी तुसा जमदे क्यों ना मर गए थान फाड़ने पे। तो ये भी एक प्रोवर्ब है, तो ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में लिया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे जातक का कन्फर्म है कि भाइयों के साथ पंडित जी ने कहा कि झगड़ा रहेगा ही रहेगा, भाइयों से परेशानी रहेगी ही रहेगी किसी ना किसी तरह। आगे पंडित जी ने और बताया है कि स्त्री धन से बरकत होगी। तो पंडित जी के कहने का भाव है कि ऐसे जातक को जो औरत का पैसा है, अगर औरत कमाई करेगी तो वो पैसा इसको फलेगा, पर अपना पैसा जो होगा वो ऐसा होगा कि चने की दाल जो उसका छिलका ही इसके हाथ में आएगा। कि अगर ये 1000 कमाता है तो अपने पे उसमें से कहने की 10% ही लगा पाएगा, उसके जो असली अपने के लिए यूज हो पाएगा। पर अगर ये स्त्री धन से काम करे, इसके घर में स्त्री धन का धन आए तो बरकत होगी। तो ऐसे जातक को चाहिए कि मोस्टली बृहस्पति सेवंथ वाले जो मैंने देखा है मोस्टली बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, और ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी, ऐसे जातक की पत्नी पहली बार तो ऐसे जातक को पत्नी जो लेनी चाहिए वो काम करती हुई लेनी चाहिए, कि जो वर्किंग वुमेन हो, घर में ना बैठने वाली हो। क्योंकि ऐसा जातक जो बृहस्पति सेवंथ वाला होता है खुद घर में बैठने वाला, देर देर तक पूजा पाठ करने वाला होता है, जो प्रैक्टिकली देखा गया है। तो ऐसे जातक को पत्नी ये लेनी चाहिए जो काम करती हो, या अगर वो बिजनेस रन करता हो तो पत्नी के शेयर्स, या कि पत्नी को किसी न किसी तरह से बैंक के कागजात में, या वैसे पत्नी को आगे रखे, पत्नी की नेक सलाह से कोई भी काम करे, तो ऐसे जातक के धन में बरकत होगी। अगर अपनी कमाई होगी तो सब मिट्टी के बराबर होगी। तो वही बात आगे, जैसे मैंने चने के छिलके के बाद पंडित जी ने आगे लिख दिया कि स्त्री धन से बरकत होगी अगर अपनी कमाई होगी तो सब मिट्टी के बराबर होगी। मिट्टी, अब मिट्टी भी क्या है, शुक्र है। तो हैरानी वाली बात क्या आई कि अगर स्त्री धन से, अगर औरत धन से बरकत होगी कि औरत का धन जो है वो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके गृहस्थ के लिए, लाइफ के लिए, पर अगर अपनी कमाई करेगा तो सब कुछ खाक होगी, मिट्टी होगी। रमते साधु मीन्स के आवारा का साथ मुबारक ना होगा। तो ऐसे जातक को आवारा साधु का साथ नहीं रखना, अगर होगा जहमत व खर्चा खड़ा होगा। कि अगर ऐसा जातक आवारा साधुओं के पीछे भागने वाला हुआ तो बीमारी, जहमत,
कलंक लग सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, कुछ भी और तरह हो सकता है। ब्राह्मण की बोधी मी मंगती, चंद्र पूजन मुबारक होगा। तो ये भी एक प्रवाद है कि ब्राह्मण की बोधी मी मंगती पंजाब का, तो बोधी जो होती है, पंडित जी ने कई बार कहा है कि ये बृहस्पति की कारक भी है, छोटी जो जिसको हम छोटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति मी मंगती की कहने का भाव क्या है कि जब बहुत गर्मी होती है तो ये प्रभाव वैसे लिया गया, इसका कोई मेन मोटिव नहीं है। और वहाँ पे पंडित ने ऊपर भी कहा कि दो तकड़ी की बोधी, तो यहाँ पर बृहस्पति जो है, बोधी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राह्मणों के लिए। कहते हैं कि ये आपको हेल्प करती है ज्ञान को, बृहस्पति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है। स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ब्रेन के जहाँ पर बोधी रखनी चाहिए। तो मी मंगदी मीन्स की रिलीफ, यहाँ पर ऐसे जातक को चंद्र पूजा करने से ही रिलीफ होगा, जो उसके इंटरनल दुख होंगे, कष्ट होंगे, जो बृहस्पति की परेशानियाँ होंगी वो चंद्र पूजन से ही ठीक होंगी। बृहस्पति नंबर 7 की मंदी हालत का सबूत घर में रतक सोना तोलने वाली होगी। तो आजकल तो सोना तोलने वाली ये चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो बेसिकली जो ये चीज़ें हैं वो पंडित जी ने कहा कि ना रखें, जिनको जर्द कपड़े में रखना वास्ते धन दौलत मुबारक होगा। तो पंडित जी ने यही कहा कि अगर ऐसी रथकें पड़ी हों तो ये चीज़ें जो हैं वो जर्द कपड़े में या सोने के साथ रखनी जो है वो कपड़ों में रखना वास्ते धन दौलत, तो ऐसी रथकों को कपड़े में रखना धन दौलत के लिए मुबारक होगा, नहीं तो कपड़ों में ना रखेंगे तो वैसे तो आजकल किसी के पास ये चीज़ है नहीं। तो बेसिकली जो ये चीज़ को अगर आज के वे में लें तो रत्तक क्या होती थी कि ब्लैक और रेड कलर की छोटी छोटी ग्रैनुलर फॉर्म में, एक स्टोन टाइप के शेप में, अंडा शेप, अंडाकार में, सॉर्ट ऑफ ओवल शेप की चीज़ होती थी, जिससे वो वेट करने में, तराजू में काम आती थी। तो यहाँ पर ये कह सकते कि ऐसे जातक को जो मंगलपद की चीज़ों से परहेज रखना है, जो आजकल के ज़माने में है मंगलबद नहीं होना, तो ऐसे जातक के लिए धन दौलत मुबारक रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जो चीज़ बृहस्पति खाना नंबर 7 में हमने आज लाल किताब 1941 में आपके साथ शेयर की, ये अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।